अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। नाश्ता हमारा हो गया है और नाश्ता जी हम लोगों ने किया है आलू की बर्फियाँ, पराठे। अच्छा पराठे देखें किरण ने बनाए हैं और किरण को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, ना सालन, ना रोटी, ना पराठा। और ये देखें माशाल्लाह से इसने इतने अच्छे पराठे बनाए हैं और ये सब अम्मी ने सिखाया है इन दोनों को। सालन भी बनाना सिखाया, रोटी भी और आटा भी गूंदना मैंने सिखा सब कुछ अम्मी ने। जिस तरह ये अपनी बेटी को समझती है ना, इस तरह इन लोगों ने अम्मी ने इन दोनों को अपनी बेटी समझा है। और जो है ताने देने से अच्छा है कि इंसान सिखाए ताने और, ना दे कि माँ ने क्या सिखाया, माँ ने ये नहीं सिखाया। हाँ ये कुछ कुछ ससुरालों में ऐसा होता है ना कि भाई ताने पहले दे देते हैं, माँ को ज्यादा घसीटा जाता है। माँ छोटी चाहिए होती है और काम सारे उससे वाले चाहिए। हाँ काम वाले भाई, जब छोटी ला रहे हो तो भाई काम जाते हो। हाँ ये जाहिल लोगों की निशानी होती है ना। लड़की ढूंढते हैं 18 साल की और काम उसको बूढ़ो। तो भाई अपनी बेटी समझे। और यहाँ पर जो है हमारी अम्मी ने इन दोनों को अपनी बेटी 55 साल तो जो है ना यहाँ पर जो है ना हमारे घर का जो असूल है ना वो ये है कि जैसे अपनी बेटी वैसे ही दूसरे की बेटी और उतना ही प्यार दो जो अपनी बेटी को दो दूसरी बेटी को दो। बेटी नहीं ढूंढो, फिर बहू नहीं ढूंढो, फिर शेफ ढूंढो, शेफ ढूंढो और काम वाली मासी देते ना उनके भी ऐसे शेफ ढूंढनी है। और जो काम वाली वो मासी नहीं होती, मासी वो ढूंढो। तो जी यहाँ पर जो है बस अच्छी गुजर रही है और 1.25 महीना भाभी का हो गया है जैसा कि व्लॉग में आपको बताया था। और 1.25 महीने से पहले ही इन दोनों की बारियां बनी हुई थी, मरियम और किरण की। अब जाहिर है मैं भी रह रही हूँ बच्चों के साथ, तो अम्मी ने कहा भाई आप भी हो इस घर का हिस्सा, आप यानी कि जाहिर है ससुराल में तो हो नहीं, तो अब मैके में हो तो अब आपकी भी बारी है यहाँ पे। तो जिस तरह अलग अलग बारियां लग रही हैं और अम्मी इस तरह सही भी रहता है कि मतलब काम पे कोई झमेला नहीं, अपनी जिम्मेदारी से काम करेंगे ये लोग इंशाल्लाह ताला। और अभी तक वैसे भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तब भी हम बहुत जिम्मेदारी से काम कर लेते तीनों। हाँ हमारे किचन है और किचन भी हम तीनों औरतें ऐसे संभाल रहे थे माशाल्लाह से, जब तक हमारी अम्मी ने बारी नहीं बांधी हुई थी। और अभी जो है जाहिर है भाई अम्मी हैं और अम्मी बड़ी हैं, और बड़ों का मैं ये समझती हूँ कि घर का जब बड़ा होगा ना और अच्छा होगा, बड़ा किरदार बड़ों का ही होता है। घर बनाने में बड़ों का किरदार बहुत अहम होता है, ये बात मैं मानती हूँ। और अगर बड़े ही अच्छे नहीं होंगे, बड़े ही सही नहीं होंगे, तो घर के जो अफराद हैं वो बिखर जाएंगे। तो जो है ये नहीं कि बड़ों की बात नहीं मान रहे छोटे, तो बड़े साइड पे होके बैठ जाएं या ताना दे दें कि हमारे तो सुनता नहीं है कोई, हम बड़े हैं हमारी तो सुनता नहीं है। नहीं, उन्हें मनवाएं, आपका काम है उन्हें मनवाना। तो जो है यहाँ पर जो है हम नाश्ता वगैरह कर रहे हैं और ऐसा ना आ जाओ नाश्ता कर लो, ऐसा रह गया इसलिए हमने ये दस्तरखान नहीं उठाया था, वरना हम लोग फौरन खाते हैं और फौरन उठाते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे नाश्ता कर लिया और ऐसे दस्तरखान बिछा हुआ है, तो नहीं, ऐसन के बाद ऐसन 2 घंटे बाद आया है दरअसल। तो खैर आज है किरण की बारी और जो है माशाल्लाह से आज किरण ने नाश्ता हमें कितने, हम लोग उठे थे 2 बजे ठीक है, और हमें नाश्ता मिल गया है। और नाश्ता जैगम और किसा को तो करा के भी भेज दिया, मैं तो सो रही थी। अम्मी और ये लोग तो उठे हुए थे, जाहिर है जिस घर में बेबी होता है इतना छोटा तो आप खुद समझदार हैं कि कितना सोते होंगे। सिलाई सीखने वाली आती है। हाँ अम्मी की सिलाई सीखने वाली भी आती हैं, तो वो आती हैं 12 बजे है ना अम्मी, 12 बजे आती है ना, तो अम्मी तो 11 बजे 10:30 बजे ऐसे 10 बजे उठ जाती हैं। और सोते ही कब हैं ये लोग, क्योंकि इन जाहिर है हमारा खजर ही माशाल्लाह से पूरी पूरी रात जागता है। तो यहाँ पर जो है हम चाय पी रहे हैं, आगे मैं आपको ब्लॉग बना के दिखाऊंगी छोटे मोटे क्लिप। आज हमें खाने में आज क्या बनेगा, किरण क्या बनाएंगी ये भी दिखाएंगे, आज किरण हमारी क्या बनाएंगी। अच्छा कल मरियम की बारी थी, मेरा दिल चाह रहा था मैं ब्लॉग बना लूँ, लेकिन जो है ना मेरी खुद की तबीयत सही नहीं थी, नज़ली की वजह से जो है ना जुकाम की वजह से सर में बहुत दर्द हो रहा था, ब्लॉग नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा आज मैं स्टार्ट कर देती हूँ, अभी भी थोड़ा आवाज़ से आपको महसूस हो रहा होगा कि तबीयत सही नहीं है। तो अभी जो है मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करते हैं आगे का। सिपारा गए में और बच्चे गए हुए, सिपारा आने वाले होंगे। अच्छा सिपारा जाने से पहले जो है ना भाभी ने नाश्ता वगैरह करा दिया था और मैं तो सो रही थी पड़ी हुई,
क्योंकि ज़ाहिर है सर में दर्द हो रहा था, सर के दर्द की वजह से जो है ना नज़ला ज़ुकाम ये वो, और बारी भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, सबसे जो मेन पॉइंट है वो मेरी बारी नहीं थी। तो जब मेरी बारी होती है या भाभी की बारी होती है, जैसे आज भाभी की बारी है, तो वो भाभी ना सुबह की एक्टिव हुई हुई है, सुबह से उठी हुई है जी। और कल मरियम हमारी एक्टिव हुई हुई थी, और जो है आज मेरी नहीं है बारी, तो मैं सो रही थी। तो मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर बाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिस जिसको गरम गरम चाय पीनी है वो आ जाए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी यहाँ पर जो है सोनिया भी आ गई हमारी, और जो है आज इसका आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन क्यों है सोनिया? क्योंकि कल कल संडे है। तो जो है यहाँ पर ये सफाई वगैरह कर रही है, साथ ही उसने वहाँ पर मशीन भी लगाई हुई है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और जो है यहाँ पर जो है सोनिया ने मशीन लगाई हुई है। अच्छा उस कोने को जो है ना इग्नोर करिएगा, वहाँ पर क्या है, ये लोग पान वान की पीपी पे थूकते रहते हैं। और यहाँ पर जो है मशीन भी लगी हुई है, साथ ही खिजर के धुल रहे हैं शायद कपड़े भी ना, फिर उसके बाद सबके धुलेंगे जिसके धोने होंगे। यहाँ पर जो है किस्सा और जैकम की पैंट वो मैं रख देती हूँ। अच्छा हमारा जो है ना पिंजरा यहाँ रखा हुआ था, ठीक है, हमने यहाँ रख दिया है सेट, इसको यहाँ कर दिया है, क्योंकि सर्दी वहाँ से जो गेट खुलता है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, वहाँ से जो गेट खुलता है ना डायरेक्ट हवा आती थी तोतों को, तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा कि यहाँ रख दो, यहाँ पर चादर वादा, सर्दी है भाई। और जिस तरह इंसानों को सर्दी लगती है, इस तरह हमारे जो है ज़ाहिर जानवर वानवर सबको ही लगती है, चरिन परिन को। तो जो है यहाँ मैंने सेट करवा दिया है, साथ ही यहाँ पर जो है सफाइयाँ हो रही हैं, सफाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। आज सोनिया इसकी डिश भी बेटा निकाल के साफ कर देना, और साथ ही यहाँ पर जो है अभी जो है ना ये कमरा भी सोनिया करेगी साफ, जिस तरह फैला पड़ा है आप देख रहे होंगे। अच्छा नाश्ता इधर हो रहा था, नाश्ते के बाद सब चले गए, और जो है ना ये दोनों बच्चों की चीज़ें भी हैं, मैं रखती हूँ उठा के। और जैकम और किस्सा तो मदरसे गए हुए ही हैं, आने वाले होंगे ये देखें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर में। और जी यहाँ पर जो है ये देखें बच्चे आ गए, आ गए। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। चलें जी ये लोग मदरसे से आ गए हैं, अब मैं इनको देखती हूँ क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। खजर की मालिश वालिश हो रही है, और वहाँ पर जो है मेरा ब्लॉग चल रहा है, और यहाँ पर हमारा बेटा कीचड़ को मोटी पॉलिश कर रहा है। और जो है अम्मी आप कौन से तेल से करती हैं मालिश, ज़रा दिखा रहे हैं। नारियल का तेल, नारियल के तेल से करती हैं, और गर्म कर लेते हैं इसको ना, है ना, गर्म करके करती हैं। और अभी कौन सा तेल बता रही थी आप, जल्दी से बता दें हमारे व्यूवर्स को। सर्दी के लिए ना अजवाइन और सरसों का तेल जला के उसको छान कर फिर पसलियों में मले तो नज़ला खांसी का फायदा देता है। अच्छा तो जो है ना सोते टाइम मलूंगी इसके ना, जिनके छोटे बच्चे हैं और जो है नज़ला खांसी या नाक बंद हो रही है या कुछ मतलब सीना चल रहा है, तो उसके लिए अजवाइन को सरसों के तेल में लहसुन के साथ दो जवे ले लें, लहसुन के साथ जला लें, उसको ठंडा कर लें और अपने छोनू मोनू के लगाएं, छोनू मोनू के। तो चलें चलते हैं बाहर, यहाँ पर जी मालिश वालिश हो रही है, नाई नाई होगी इन लोगों की, इन लोगों की नहीं खजर, ठीक है। साथ ही जो है किसा क्या कर रही है, किसा क्या कर रही है जल्दी बताओ, चाय पी रही है किसा, सही है। और साथ ही यहाँ पर जो है मैं किचन का दिखा देती हूँ, किचन में जो है भाभी ने मछली भिगो के रखी हुई है, इसकी अम्मी बनाएंगी कटाकट, बड़ी मजेदार सी। और कर्नाटक क्यों रहे, क्योंकि आयमा भी सो रही होगी, आयमा उठे ना तो आयमा मेरे साथ हर रोज खेलती रहती है। अच्छा जल्दी चाय पियो, नाश्ता कर रहा है जाएगा, सिपारे से आने के बाद नाश्ता कर रहा है, क्योंकि सिपारा जाने से पहले इसने नाश्ता नहीं करा था, ठीक है। तो टाइम देख लें आप लोग, 3:30 हो रहे हैं। अच्छा नाश्ता इतनी देर से क्यों कर रहे हो, दिल नहीं कर रहा था तो मामी ने मतलब दिया था आपको? हाँ मामी ने बोला था अभी खा के चली जाओ, मैंने कहा नहीं मामी आके खाऊंगा। वैसे भी सुबह सुबह ये लोग छुट्टी वाले दिन उठते हैं ना जल्दी नाश्ता नहीं करते हैं, 2 या 2:30 बजे तो करते ही करते हैं। सर आएंगे रात को आएंगे, अभी देखते हैं कब आते हैं, क्योंकि आज हफ्ता है और मंडे से बैगम के पेपर स्टार्ट है, पेपर नहीं टेस्ट स्टार्ट है, तो जो है ना इसकी तैयारी व्यारी करनी है। अभी नाश्ता करो और पैनाडोल खा लो, मुझे लग रहा है शायद तुम्हें बुखार सा फील हो रहा है ना, मेरी भी हालत कुछ ऐसी हो रही है, दरअसल मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से जो है ना जिस्म में ना
थकावट, बुखार, खांसी, नज़ला, चैलेंज। अभी जो है यहाँ पर नाश्ता हो रहा है, यहाँ पर ये सिमटता है सब, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मछली फ्राई हो गई है और यहाँ पर रोटी बन रही है और साथ ही यहाँ पर जो है तहारी का सामान भी कट कटा के आलू रख दिए हैं और यहाँ पर जो है टमाटर की हैदराबादी चटनी बन रही है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो जो है अगर किसी को ये रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही यहाँ पर मछली फ्राई होगी तहारी के साथ। तो अभी जो है आधा काम हुआ है, अभी आधा काम हो रहा है, लेकिन व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा तो मैंने सोचा मैं व्लॉग को एंड कर लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।